आज हम बनाएंगे कार्डमम बटर चिकन बनाएंगे पड़ोस में क्या वहाँ पक रहा है। हाँ, कुछ नहीं किया, बस कुछ भी नहीं किया। आटा की जगह आटा डाला और दूध डाला और उसके बाद उसको अच्छा नमक मैंने डाल दिया था क्योंकि नमक मैंने नहीं डाला था आपके सामने, मैंने नमक डाला। नमक डालने के बाद हमने उसको अच्छे से मिक्स किया और धीमी आंच पे छोड़ दिया, पक जाएगा, हम लाएंगे उसके बाद हम इसको कुक करेंगे। अच्छा जी, आ जाते हैं कार्डमम बटर चिकन के ऊपर। इसके अंदर हम डाल रहे हैं पहले तो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जाएगा इसके अंदर तकरीबन फौजी सुप्रीम भरपूर विटामिन ए एंड डी से कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक यूएसपी ट्रीटेड डबल रिफाइंड गारंटी। और ये जाएगा इसमें बटर। बटर मेरे पास यहाँ पे मौजूद था तो मैंने कहा डाल देते हैं, नहीं होता तो हम फिर आपको पता ही है कि इसके अंदर हम शामिल करते हैं यहाँ पर सबका फेवरेट जी। अच्छा, इसमें हम डालेंगे क्योंकि कार्डमम चिकन है तो हम इसमें डालेंगे 5 से 6 हम इसमें छोटी इलायची। इसके अलावा हमने एक पेस्ट बना के रखा है जो मेरे पास यहाँ पर ये रखा हुआ, ठीक है जी। इसके अंदर हमने क्या किया था, एक बड़े साइज़ की प्याज 3 से 4 आप इसमें छोटी इलायची डालिएगा या 2 डाल दीजिएगा, अच्छा बड़ी है तो 2 वरना तो 3 से 4 आप डालिएगा। और डाले थे हमने 6-7 काजू डाले और उसके बाद इसको हमने कुक कर लिया चिकन स्टॉक के अंदर, ठीक है ना। 1 कप चिकन स्टॉक लीजिएगा, उसमें प्याज काजू और इसके अलावा छोटी इलायची डालिएगा और उसको थोड़ा सा आपने जो ज़्यादा लग रहा है ना कम कर लेती है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपने जब ये कुक हो जाएगा तो आपने इसको पीस लेना, ये मैंने पीस के यहाँ पर रख लिया। इसको हम किस तरीके से डालेंगे ये आपको बताते हैं, लेकिन यहाँ पर गई ये चिकन, इसमें थोड़ा सा पानी था, चलेंगे इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, ठीक है जी। फ्राई करेंगे, फ्राई करके हम इसको निकाल लेंगे फिर इसके ताकि अच्छा सा फ्लेवर छोटी इलायची का इसके अंदर आ जाए। अच्छा, इसके अलावा और क्या कुछ है इसके अंदर ये भी मैं आपको बताती हूँ। चिकन बोनलेस है हमारे पास, इसको बोनलेस से ही बनाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें मेरे पास आप 3 से 4 टमाटर लीजिएगा, उनको बॉईल कीजिएगा, छिलका उतारिएगा, पीस लीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट, क्रीम, नमक, मिर्च, हल्दी और साथ ही कसूरी मेथी ये मेरे पास यहाँ पे रखी। और यह है दही। अच्छे से मसाले को भूनेंगे फिर इसमें दोबारा से चिकन डालेंगे और दम पे इसको छोड़ देंगे ताकि अच्छी सी हमारी चिकन जो है वो पक जाए, ठीक है। ये हो बताया, मैं किसी के साथ थी, पूरे पाकिस्तान के साथ, पूरे पाकिस्तान के साथ थी भाई, जो जो है मैं सबके साथ थी, ठीक है ना, पूरा पाकिस्तान। देखिए वैसे इन द एंड जिसने भी जीतना है, जो भी टीम जीती पाकिस्तान ही थी, बस हर जगह पाकिस्तान, क्योंकि इस्लामाबाद, क्वेटा, इन द एंड पाकिस्तान ने जीतना है। लेकिन बस एक होती है अपनी अपनी वो के जैसे हम कह रहे थे, सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट के किसको, कौन से सिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें तो ऑब्वियसली ये एक इंटरेस्टिंग होता है, एक्साइटमेंट होती है जो कि एक दूसरे से डेफिनेटली लोग पूछ रहे होते हैं। अच्छा, आपने नहीं बताया कहाँ से थी, गई गई। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने वो जो मसाला पीसा था प्याज, इसके अलावा इसमें था काजू और साथ ही इसमें चिकन स्टॉक था, साथ 3 से 4 हमने इसमें काजू डाले थे और 2 छोटी इलायची डाल के हमने इसको बॉयल करे, मैंने इसमें डाल दिया, साथ ही जो बॉईल किए हुए टमाटर थे वो डाले। अब बारी आती है कि हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट जैसे कि नमक डालेंगे इसमें तकरीबन 3-4 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, ये चला गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस मसाले को भूनते जाएंगे। साथ ही ये मेरे पास रखी हुई है यहाँ पर रखा हुआ है दही, ठीक है ना, दही डाल के, दही हमारे पास सॉरी ये अदरक लहसुन का पेस्ट रह गया, ये डाल देती हूँ, ये 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ये डाल दिया। और साथ ही हम इसमें ये दही जो है इसको डाल के भून लेंगे, जब ये अच्छे से भून जाएगा तो हम ये चिकन दोबारा डालेंगे, कसूरी मेथी डालेंगे, क्रीम डालेंगे, थोड़ा सारा धनिया डालेंगे, दम पे छोड़ देंगे। इसमें देखें मैंने अब ये काम किया था, टाइम नहीं था तो मैंने यहाँ पर ये कार्डमम चिकन के अंदर मैंने इसके अंदर चिकन शामिल कर दी, ठीक है जी, ये पक रही है अब। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें रह गई हैं, वो क्या क्या है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी, ये गई इसमें कसूरी मेथी तकरीबन ऐसा 1 टीस्पून के करीब डाल दीजिएगा, या अगर आपको स्ट्रॉन्ग पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर क्रीम, क्रीम कितनी डालेंगे हम, मसाला हमने भुना, चिकन हमारे पास फ्राई हुई थी, बोनलेस चिकन है तो इसलिए ऐसा कुछ इतना इसमें ख़ास काम था नहीं, ये गया इसके अंदर हमने शामिल कर दिया क्रीम को, थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग के लिए बचा दी। इसको मिक्स करते हैं और इसको थोड़ी सी देर के लिए मैं दम पे छोड़ूंगी, इसकी वजह क्या है,